देश भर में ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। हर तरफ ज्ञान व्यापी की चर्चा हो रही है। वहीं सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के शिवलिंग मिलने के दावे के साथ ये चर्चा और तेज हो गई है। इस बीच काशी करवत मंदिर के महंत पंडित गणेश शंकर उपाध्याय ने ज्ञान व्यापी को लेकर कई हैरान कर देने वाली बातें बताई हैं। महंत गणेश शंकर बीते दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि 1992 में पहले तो कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं था। मुझे आज भी याद है कि हम लोग बड़े आराम से ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में खेलने कूदने के लिए जाया करते थे। किस तरह से रोक टोक नहीं थी। सीढ़ियों से उतरकर ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा हॉल था और उसमें कई खम्बे थे। सीढ़ी के बगल वाले कमरे में भोला यादव की कोयले की दुकान थी और उसके बगल में चूड़ी की दुकान थी। वह पूरे मोहल्ले में हर तीज त्योहार पर घर घर चूड़ी पहनाने जाया करती थी। इसके बाद नंदी के मुँह के ठीक सामने व्यास जी का कमरा था, जहाँ वह अपना व्यास पीठ का सामान रखा करते थे। केदारनाथ व्यास के छोटे भाई चंद्र व्यास चबूतरे के ऊपर चढ़कर जाते थे। पीछे जो दरवाजा है वह ऊपर जाता है और वह खुलता भी था। मस्जिद के हर हिस्से में हिंदू जाते थे। किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। अक्सर हम लोगों की पतंग कट जाती थी तो हम लोग उसे लेने जाते थे। वहीं महंत परिवार के ही महेश उपाध्याय ने भी ज्ञान व्यापी से जुड़ा किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कि जब ज्ञानी जैली सिंह बतौर गृह मंत्री बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए थे, तब उन्हें छत्र द्वार से प्रवेश किया तो वह मस्जिद को ही मंदिर समझकर अंदर चले गए थे। इस दौरान मस्जिद के मौलवी ने उन्हें बताया कि मस्जिद है और मंदिर अभी आगे है। इसके बाद वह मस्जिद से निकलकर मंदिर में आए। आपको बता दें कि सर्वे के बाद हिंदू पक्ष और वकीलों ने भी मस्जिद में शिवलिंग होने का दावा किया है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।